अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्ला फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक चराई के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली क्लाउन नाइफ फिश के बारे में है। क्लाउन नाइफ फिश, जिसको हम और आप हिंदी में चीतल मछली कहते हैं, जिसकी फ़ोटो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये एक ऐसी मछली है जो बहुत ही सिल्वर, एकदम चमकदार सिल्वर कलर का होता है और ये बहुत ही सुंदर मछली है। प्रकृति में बहुत सारा चीज़ है जो रब ने बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, उसमें से एक ये है। और ये काफ़ी लजीज भी होती है खाने में और ये काफ़ी महंगा हमारे बंगाल में बिकता है। तो इसका मीट मतलब इसका मांस, ठीक है, ये मछली काफ़ी महंगा बिकता है। तो ये मछली का चराई के बारे में आज हम बात करेंगे। ये मछली एक ऐसी मछली है जो कि नदी में, तालाब वगैरह में भी पाई जाती है। नदी में ज़्यादातर ये पाई जाती है, अपना बंगाल वगैरह हर जगह में लगभग पाई जाती है एशिया में। तो इसी मछली का एक चराई के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। कुछ बताने या कुछ दिखाने से दोस्तों पहले हम चाहेंगे एक वीडियो है, वो वीडियो छोटी सी वीडियो आप देख लें। वीडियो देखने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा आपको एक हुक्स के बारे में बताने के लिए। ये मार्केट में नया आया है, ये जो WPE देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में और इसका कांटा आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप अगर कार्प मछली पकड़ने के शौकीन हैं या फिर आप कैटफिश मछली पकड़ने के शौकीन हैं, तो ये एक ऐसा ऑलराउंडर ऑटोमेटिक हुक है जिसमें आपको हुक करना नहीं पड़ता, खुद ब खुद हुक हो जाता है। तो वो वाला एक हुक है और इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ये कैसा डिज़ाइन है। देखिए आप, ये एक ऐसा हुक है दोस्तों जो आप इस कैटफिश को भी पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्प को भी पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस हुक का ये है दोस्तों कि ये जो है दोस्तों, आपको मैं बताऊं, अगर ये जो है दोस्तों कि आपका जा करके ये आप हुक करना नहीं पड़ता, ये मछली मुंह में लेती है, ले करके जैसे चलना शुरू करती है ये खुद ब खुद अपने आप हुक हो जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेड हुक है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको इस हुक के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया होगा, ठीक है। बहुत कम ही यूट्यूबर है या ना के बराबर है, अपने इंडिया में तो कोई है ही नहीं जो बता पाएंगे ये क्या काम का है, किस चीज़ का है, क्या काम के लिए है। और इसको कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होंगे, कभी देखे भी नहीं होंगे। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मगर एक बात की बात बता रहा हूँ। तो ये हुक ऐसा है जो किसी यूट्यूबर को इसके बारे में पता नहीं होगा। हाँ, फॉरेन कंट्री के होंगे तो पता होगा, पर इंडिया के किसी को पता नहीं होगा और वो पहली बार देखते होंगे। और आप भी, मेरा गारंटी देता हूँ मैं कि आपने भी ऐसा हुक पहली बार देखा होगा। इसका आकार देखें आप, ये दूसरा हुक जो पहले, मतलब हमारा नॉर्मल जो हुक होता है वो यू रहता है, पूरा यू शेप में रहता है, जे हुक जिसको कहते हैं, ये कुछ अलग तरह का है। अगर इसको साइडवाइज में देखा जाए तो देखिए ये कैसा टेढ़ा बेका में है, देख रहे हैं आप ये टेढ़ा कैसा है। ये ऑटो हुक है, ये आपको अपने आप हुक कर देता है मछली को। काफ़ी बेहतर क्वालिटी का सामान है, ये WPE ब्रांडेड कंपनी का हुक है। ये एक पैकेट में सिर्फ 5 पीस आता है और ये आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। ये काफ़ी महंगा हुक है, बेहतरीन क्वालिटी का है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करके देखो, इसका रिजल्ट आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों, जबकि हमने वीडियो देख लिया, अब चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये जो चराई की जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कैसे करके बनाया जाता है। तो इसके लिए जो अव्वल चीज़ आपको लगेगा दोस्तों, वो है सरसों का खल। सरसों का खल आपको रॉ खरीद के लाना, उसको कोई कलाकृति नहीं करना, कुछ उसको गर्म नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। रॉ सरसों का खल को आपको उसको पीस करके पाउडर कर लेना है। सिलबट्टा में पीसिए या फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीसिए, वो आपका मसला है। आप उसको पीस करके पाउडर कर लीजिए। मैं क्वांटिटी के ताल्लुक से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको उसको काम करना है। 100 ग्राम सरसों का खल आप पीस करके पाउडर करके 100 ग्राम सरसों का खल लीजिए। उसमें आपको फिर क्या करना है कि भात का जो माड़ होता है, भात का माड़, हाँ, जिसको पीच भी कहते हैं, और या फिर मैं आपको अगर सरल लैंग्वेज में बताऊं, हो सकता है भाषा के डिफरेंस की वजह से आपको समझ में नहीं आता होगा कि भात का माड़ किसे कहते हैं। तो भात बनाने के बाद जो एक वाइट कलर का लिक्विड होता है, स्मोकी कलर का, वाइट कलर का जो लिक्विड होता है, जिसको भात बनाने के बाद वो पानी को बहा दिया जाता है, फिर भात रेडी हो जाता है बन करके, तो वो जो स्मोकी कलर का जो लिक्विड होता है, इसको पीच कहते हैं कहीं कहीं पर ही, हमारे यहाँ पर इसको माड़ कहते हैं। तो वो माड़ भी आपको 100 ml लेना है। तो अगर आप 100 ग्राम अगर सरसों का खल ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम आपको ये माड़ डालना है, भात का पानी, ठीक है, वो 100 ग्राम डालना है। अगर आप आधा किलो ले रहे हैं सरसों का खल, तो ये भी आपको आधा किलो लेना पड़ेगा, हाफ लीटर लेना पड़ेगा। और फिर और एक चीज़ आपको डालना पड़ेगा, वो है चूटी का अंडा। चूटी का अंडा, वो आप अगर इसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ये नहीं मिल रहा तो आप इसका अल्टरनेटिव आप
दीमक का अंडा भी डाल सकते हैं। दीमक का अंडा चुटी का अंडा से काफ़ी बेहतर काम करता है, ठीक है। तो आप चुटी का अंडा लेके आएँ। अब वो कितने मात्रा में रहेगा, 100 ग्राम अगर सरसों का खल ले रहे हैं, 100 ग्राम आपको ये पीच या फिर माड़ लेना होगा, और चुटी का अंडा भी 100 ग्राम होगा, तो मतलब कि 1:1:1 का रेशियो में रहेगा। अगर वो 500 ग्राम ले रहे तो ये दोनों भी 500 ग्राम लेना पड़ेगा, अगर वो 1 किलो ले रहे तो ये दोनों भी 1-1 किलो लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, इसको क्या करना है दोस्तों, कि ये तमाम चीज़ों को एक साथ मिला दीजिए। चुटी का अंडा डालिए सरसों का खल में, और उसको मिलाने के लिए ये माड़ जो है, भात का पानी जो है, उसको डाल करके उसको पूरा अच्छा से सान लीजिए। सानिएगा तो देखिएगा ये गीला गीला टाइप का कुछ हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा गीला गीला टाइप का रहेगा ये, तो इसको आपको क्या करना है, एयर टाइट जार जो कांच का होता है उसमें डाल देना है पूरा, और एयर टाइट करके इसको ढक्कन बंद कर देना है, और इसको किसी जगह में एक हफ्ता के लिए सड़ने के लिए छोड़ देना है। एक हफ्ता बाद फिर इसको आपको निकालना है, और निकालने के बाद किसी मिट्टी के साथ अच्छे से इसको मिलाना है, चिकना मिट्टी के साथ। उसको गोल नहीं करके, उसका चिपटा चिपटा बना करके, मतलब गोल करके फिर ऐसे चापिएगा तो टिकिया बन जाता है। टिकिया बना करके आपको उस जगह में चराई करना है जहाँ पर ही आप चीतल मछली पकड़ना चाह रहे हैं, और फिर वहाँ पर ही फिर अपना आप और जो दूसरा हुक बेट है वो अगर देंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें फल मिलेगा। और मैं मिसाल के तौर पर ये कहूँगा कि आप उसमें आप कांटे में आप कॉकरोच या फिर केचुआ लगा के दे तो इसमें भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। कॉकरोच में तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक प्रेडेटरी मछली है और कॉकरोच वगैरह खाना काफ़ी पसंद है इन्हें, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसका शिकार कर सकते हैं। अगर पानी में बहाव है तो पानी में जो बहाव है तो आप इसका टिकिया बना करके, चराई का टिकिया बना के मिट्टी के साथ मिला करके, चराई का टिकिया बना करके आप एक कपड़े में टिकिया को डाल करके, कपड़े को बांध करके किसी बड़ा पत्थर के साथ बांध करके उस जगह में फेंक दिए जहाँ पर आप चराई करना चाहते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर बड़ा पत्थर बांध रहे तो इसको फेंकिएगा तो बहुत बड़ा आवाज़ होगा, धमाका होगा, और मछली डर के भाग जाएगी। तो इसको आपको आराम से उसी जगह में ले जाकर हल्का सा पानी में लगा करके छोड़ देना कि आराम से ये उतर जाए नीचे, ठीक है। और फिर देखिएगा थोड़ा देरी में ही वहाँ पर ही चीतल मछली आ जाएगी, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं रात में आप चराई करके आएँ और सुबह में चल जाएँ उससे शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर ही काफ़ी चीतल मछली आ जाएगी। वो चराई की खुशबू से और उसका टेस्ट से जो जो उसका सड़ा हुआ जो बदबू होगा वगैरह उससे आ जाएगी, तो आप शिकार बढ़िया कर पाएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकअल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।